पूरे देश में दशहरा पर जहां असत्य पर सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन किया जाता है, वहीं मध्य प्रदेश का एक गांव ऐसा भी है जहां दशहरा में रावण की पूजा अर्चना बड़े विधि विधान से की जाती है। यहां रावण ग्रामीणों के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यहां के लोगों का मानना है कि रावण लोगों की मन्नतें पूरी करता है। नवरात्रि के समय पूरे ग्रामवासी इस गांव में उपस्थित रावण व कुंभकर्ण की मूर्ति की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और गांव के लोग रावण से मन्नतें मांगते हैं। ग्रामवासी बताते हैं कि इस गांव की पहचान रावण के गांव के नाम से जुड़ी हुई है। वहीं इस गांव में रावण को कभी भी जलाया नहीं जाता है, बल्कि यहां पर पूरे विधि विधान से रावण और कुंभकर्ण की पूजा की जाती है। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में रावण और कुंभकर्ण की मूर्ति लगभग 150 सालों से भी ज्यादा समय से यहां विराजमान है और यहां पर सैकड़ों हजारों लोगों की मन्नतें पूरी हुई है। यहां पर ग्रामवासी ही नहीं अन्य जगह से लोग आकर रावण की पूजा करते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ के इस गांव का नाम है भाटखेड़ी गाँव। इस गाँव के सड़क के किनारे रावण और कुंभकर्ण की प्रतिमाएं यहां से निकलने एवं आने जाने वाले लोगों के लिए सैकड़ों वर्षों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। विजयादशमी के पूर्व इन प्रतिमाओं का रंग रोगन किया जाता है और नवरात्रि में कई सालों की परंपरा के अनुसार रामलीला का भी आयोजन किया जाता है। दशहरे के दिन इनकी पूजा अर्चना कर ग्राम की खुशहाली के लिए मन्नतें मांगी जाती हैं। गौरतलब है कि जहां पूरे देश में रावण को बुराई का प्रतीक मानकर उसका पुतला दहन किया जाता है, वहीं इस गांव में खुशहाली का प्रतीक मानकर रावण की पूजा की जाती है। न्यूज रूम टीवी के लिए अनिल जांगड़ी की रिपोर्ट। यहाँ क्या मान्यता है यहाँ की? ये मान्यता ऐसा है कि यहाँ हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारा जन्म भी नहीं था उसके पहले की ये प्रतिमा हम देख रहे हैं। हाँ। हमें पता भी नहीं कितने वर्ष पुरानी है। हाँ। लेकिन यहाँ जो एवी रोड होने के कारण कई लोग यहाँ से निकलते थे। हाँ। कई लोगों की मान्यता पूरी हुई, यहाँ लोग हवन और भंडारा आदि भी लेके आते हैं। हाँ। और हमारे गाँव वाले भी कई बार जब वर्षा नहीं होती थी हम मंदिरों में जाते थे, लेकिन भगवान हमारी मनोकामना पूरी नहीं करते थे। जब कुछ गाँव वालों ने सलाह दी कि क्यों नहीं हमारे जो महात्मा रावण है उनके पास में चले, तो उनके पास आए और उनकी मन्नत मांगी और वर्षा हो गई। और ऐसे कई चमत्कार इन्हें किए हैं। और एक बार जब कांग्रेस सरकार थी दिग्विजय सिंह जी की, उस टाइम पे हमारे जो पूर्व राज्य मंत्री थे बद्रीलाल यादव, उनके साथ में कैलाश विजयवर्गीय वगैरह आए थे और उन्होंने यहाँ आकर मन्नत मांगी थी। पूरा गाँव उनके साथ में था और महात्मा रावण जी की ऐसी कृपा हुई कि नेक्स्ट उनकी सरकार बन गई। तो वो लोग भी रावण को मानते हैं और हर विजयदशमी पे यहाँ पे बद्रीलाल जी और विधायक जी जो हैं और सब लोग सांसद जी आते हैं और अपनी अपनी मनोकामना पूरी पूजा करते हैं। सब हमारी मनोकामना हमारे पारंपरिक से चला आ रहा है। अच्छा। हाँ। तो कोई मन्नत पूरी करते हैं? ये मन्नत पूरी जो मांगते हैं वो सब पूरी करते हैं। तो इनको जलाते हैं आप दशहरे पे? नहीं जलाते। अच्छा। इस गांव के नाम करते हैं यहाँ पे दशमी के दिन। अच्छा, दशहरे के दिन। दशहरे। अच्छा, कितने सालों से ये प्रतिमा है यहाँ पे? कम से कम 150 साल से मनोकामना पूरी करते हैं। ये पूरी रावण करते हैं। कौन कौन की मूर्ति है यहाँ? रावण कुंभकर्ण की। अच्छा।